धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर धनबाद से भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो को बनाए जाने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के क्रियाकलापों का पत्र में उल्लेख किया है। पत्र जारी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और कृष्णा अग्रवाल के बीच कभी नरम तो कभी गर्म बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में आवाज कृष्णा अग्रवाल और ढुल्लू महतो की ही है, इसकी पुष्टि द न्यूज पोस्ट नहीं करता, लेकिन ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुनिए उनकी बातचीत का पूरा अंश। हेलो, हाँ कृष्णा भैया बोल रहे हैं। बोल रहा है, विधायक जी बोल रहे हैं ढुल्लू महतो। हाँ नमस्कार, बोलिए भैया। बोल रहे थे क्या लिखे हैं पेड़ में आप लोग? क्या लिखे विधायक साहब, पढ़े हुए? पढ़े भैया पढ़े हैं, तो मतलब जब गोली चल रहा था उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, राम मंदिर जब हम बनवाए तब राम मंदिर में कोई उसका जवाब आप नहीं लिखे? एकदम हम दिए, हम दिए थे भैया। क्या दिए थे? हम आपके पक्ष में बयान दिए थे उस समय, राजा राम मंदिर के पक्ष में। नहीं नहीं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? क्या बोले? एक भी नेता जब गोली चल रहा था, व्यवसाय से दुकानदार से रंगदारी मांगा जा रहा था, उस समय कोई खुल के नहीं आया? हम आए थे, हम अरे बाबा हम आए थे, हम धरना दिए थे, हम अनशन किए थे, हम भाजपा छोड़। धरना देने से क्या हुआ? आज प्रशासन के भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कौन लड़ता है? हम लोग माफिया हैं, हम लोग गुंडा हैं, बोलिए। ऐसा ये सब बात ऐसा नहीं कीजिए किसी कहने पर भैया, ये सब एकदम मत कीजिए, गलत बात है ना भैया। विधायक जी आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को, आपको मालूम नहीं रहे भैया, हम ही नहीं समझ रहे हैं। अरे नहीं समझ, वास्तव मेरा बात सुनिए। नहीं नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया है, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे है? नहीं नहीं, हम ये बोल रहे हैं, मर्डर करने, नहीं नहीं मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे? हम आपको ये बोल रहे हैं, गरीब आदमी हम लोग बन, अगर पार्टी हम लोग को इसका जिम्मेवारी दे रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मरते हैं मिटते हैं, विचारधारा पर हिंदू और सनातन धर्म के विचारधारा पर सबको जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप उल्टा पुल्टा आप लोग कर रहे हैं? वाह भैया वाह, मतलब ये सराफत का काम नहीं है भैया। चलिए आपको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, गलत है ये, आपकी दृष्टि से गलत है ना, आपका दृष्टिकोण से गलत है। आप इसको किसी के सामने बैठ के सामने बात कीजिए ना, सामने बैठ के बात कीजिए, सबको बुलाइए, हम सामने बात कीजिए। कल आ जाइए, कल आ जाइए, कल हम मिलते हैं, बोलिए कहाँ आ जाए, हम बोलिए जहाँ बोलिए हम आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप ही बोलिए हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हम आ जाते हैं, हम आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे, बोलिए आपका बात नहीं। आप मेरे घर में जाइए चाय पीने के, कोई सुने हम आपके घर आ जाएंगे, हम आपके घर आ जाएंगे, मगर सबको बुलाइए, सबको बुला के सामने बात कीजिए। अरे भैया आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, बोलिए। जैसे कि आप भैया अभी आप बोले जब गोली चल रहा था कोई नहीं आया, आपको मालूम होना चाहिए कि हम भाजपा से रिजाइन किए थे, आपसे भाजपा में हम सीनियर हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सुनिए भैया सुन लीजिए, कोई हिम्मत है तो हमारा सामने डिस्कस करे, कोई शाखा नहीं लगा पाता था यहाँ पे, शाखा ढुल्लू महतो अपना गांव में लगाता था पहले, उसका गवाह है नवल जी, उसका गवाह जितेंद्र मास्टर मंदिर का। नहीं और मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जब अभी अभी प्रिंस खान का जो आतंक था, प्रिंस खान जो लगातार मरवाड़ी लोग को टारगेट करके गोली चला रहा था, चैम्बर पे गोली चला रहा था, नहीं बंद करवाए क्या? अरे नहीं, अरे फिर अब तो आप कर रहे हैं गलत बात, अब आप लग रहा है आप हमको डरा रहे हैं? नहीं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको माफिया लोग के दबाव नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा ये आप बोल रहे हैं ना कि माफिया लोग के दबाव में कर, अच्छा ये बताइए आपको, आप अभी आप बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं आपको, हम क्या धमकी दिए हैं पहले बताइए? तो धमकी दे रहे हैं, इसको क्या कर रही है, क्या लिख रहे हैं आप, हमको बुला के बात करते हैं? अरे गजब बात कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी क्या आपको बुला के बात करेंगे, तीन तीन बार विधायक बने बीजेपी के टिकट से तो उस समय नहीं बोले? अरे गजब बात कर, आज बागवाना में जो स्थिति है विधायक जी, आप पर जो मामला है आज भी अखबार में आया है। कौन मामला? अखबार में आने से अखबार वाला बात मत कीजिए, सामने बात कीजिए, एक भी मामला सच हो गया सर, राजनीति छोड़ देंगे हम, राजनीति छोड़ देंगे, बोलिए उसको, किसी को जो बोलता है सो बुलाइए सबको हमारे सामने, सारा अभी 15 को मामला कर दिया है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन के कोयला चोरी लोहा चोरी करवा रहा है पूरा, कौन बोल रहा है उस पर नहीं बोल रहे, कुछ दिन पूरा लूट मचवा दिया, 100 मर्डर करवा दिया, एक दिन कोई आवाज नहीं उठाया? नहीं सारी बात सही है आपकी, सारी बात सही है, गलत बात है भैया, ये सब बात गलत है, ये बात गलत है भैया। चलिए ना, आपको आपको पार्टी, सुनिए आपको पार्टी टिकट दे दी है, आपको शुभकामना है, आप विरोध, आप कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के हैं,
अरे तो हमको भाजपा में कौन पूछ रहा है, ये बताइए ना, भाजपा हम लोग क्या वैल्यू है? भाजपा में नहीं पूछेगा तो मतलब हमको मर्डरर बना दीजिएगा, हम लोग क्रिमिनल बना दीजिएगा। अरे तो आपके आपके खिलाफ तो मामला, अगर हम गलत के साथ उसको चैलेंज कीजिए कि गलत दिख दिए मामला। नहीं नहीं, हम खिलाफ कहा बोलना चाहो, मर्डर करके जेल में है। अरे सबके खिलाफ नहीं बोलना चाहो, विधायक हम सबके खिलाफ बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। आप बात है, गलत बात है, आप लोग माफिया आप लोग। अरे आप आपके लिए माफिया है ना, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं आपका कि आप